So if you are riding on a highway and all, if you're going on a long rides or if you're going on a pahadi and all, I would suggest you to put a pair of aux. So hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Nitish Niyo. What's up? कैसे हो? कैसा काय? And नमस्कारा. ये गिदिरा. I'm quite sure कि आप लोग काफी बढ़िया कर रहे हो. And आज मेरे पीछे है the Royal Enfield Interceptor 650. काफी नया मॉडल है. And I'm thinking of making a quick review of this motorcycle. So yes guys, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then do it subscribe button like this video and share this video with all your friends on WhatsApp या Facebook के ऊपर. अगर आप मुझे Instagram पे follow नहीं करते हो तो ये मेरा Instagram ID, आप मुझे follow कर सकते हो. Now let's go towards the bike and check out करते हैं इसको. First things first, what's the price of this motorcycle? Pricing jo hai, it starts at 2.81 lakh rupees ex showroom and jati hai till 3.3 lakh rupees ex showroom. And ye jo hai, ye color hai Venture Abduo and iska jo cost hai 2.81 lakh rupees ex showroom hai. Saath mein guys, dusri baat ye hai ki agar aap Mark II color kharidna chahte ho ya version kharidna chahte ho, tab aapko cost ho jata hai 3.3 lakh tak aapko chahega ex showroom. And isme aapko multiple colors milte hai, ye milta hai, aapko orange milta hai, then you also get orange crush bol sakte hai and you also get dual colors in this one. So ise bahut sari cheeze aapko mil jati hai. You can go and check out at the nearest Royal Enfield store. And साथ में अभी हम लोग चलते हैं towards the walk around this motorcycle. तो let's start with the front. On the front आपको यहाँ पे मिलता है 18 inch का wheel मिलता है and ये radial tire नहीं है. This is 190 के आपको C8 के zoom tires आपको मिलते हैं, zoom cruise tires आपको मिलते हैं. सामने का जो suspension है, this is a 41 mm normal suspension, UST suspension नहीं है. It's a normal one. However, the best thing is यहाँ पे आपको मिलते हैं fork gaiters आपको मिल जाते हैं. साथ में दूसरी बात यह है कि गाड़ी का जो सस्पेंशन जो ट्रैवल है 110 mm का आपको ट्रैवल मिल जाता है, मतलब सामने की तरफ, विच इज़ प्रिटी गुड. एंड आपको समझ में आता है जब आप गाड़ी चलाएंगे ना, सस्पेंशन का आपको वैल्यू समझ में आ जाता है. एंड ऑफकोर्स दिस इज अ डुअल चैनल ABS, तो आपको सामने भी ABS आपको मिलता है, पीछे पे कोई ABS मिल जाता है, लेकिन आप ABS को स्विच ऑफ नहीं कर सकते. यू कैन सी द ऑयल कूल ओवर हियर, मतलब ये गाड़ी का इंजन जो है इट्स एन एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन. एंड ऑन द फ्रंट यहाँ पे आपको मिलता है हेडलाइट जो है, इट्स अ हैलोजन हेडलाइट एंड द इंडिकेटर्स आर हैलोजन इंडिकेटर्स ओवर हियर. एंड साथ में इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली ऐड अ विंडशील्ड यहाँ पे सामने अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हो. हाउएवर द हैंडल बार्स आर वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी टू होल्ड ऑन टू. एंड यहाँ पे आप आपका GPS माउंट आप डलवा सकते हो, विच इज अ गुड ऑप्शन. एंड ये बात करते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द ब्रेक्स. सामने आपको मिलता है 320 mm का डिस्क मिलता है. एंड डिस्क के जो कैलिपर्स है, वाइब्रेट के कैलिपर्स आपको मिलता है, ट्विन पिस्टन कैलिपर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. एंड साथ में यू गेट अ ट्विन एग्जॉस्ट, ऑफ कोर्स इट्स अ 650 cc पैरेलल ट्विन, तो आपको ट्विन एग्जॉस्ट मिल जाता है यहाँ पे. एंड साथ में गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट इज 174 mm, मतलब प्रिटी डिसेंट है. मतलब अगर आप खड्डे में जाएंगे आराम से निकल जाती है ऑलमोस्ट नॉर्मल खड्डों से. एंड साथ में गाड़ी का जो व्हील बेस है ये 1400 mm, मतलब काफ़ी लंबा व्हील बेस गाड़ी का मिल जाता है आपको. यू कैन सी द लेंथ ओवर हियर, काफ़ी लंबी गाड़ी है. एंड साथ में गाड़ी का जो सीट हाइट है ये 804 mm है, बट द सीटिंग इज वेरी वेरी कंफर्टेबल. हाउएवर व्हाट हैपेंस इज फॉर अ पिजियन, पिजियन के थोड़ा ऊपर है फुटरेस्ट, बिकॉज ऑफ विच अगर पिजियन काफ़ी लंबे है तो थोड़े बहुत उनको क्रैम्प्स आ सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल आई वुड से. एंड साथ में द एग्जॉस्ट लुक्स ब्यूटीफुल अपस्वेप्ट है, मतलब इसका मतलब है कि पानी आसानी से नहीं घुसेगा अगर थोड़ा बहुत डीप पानी में जाएंगे. एंड दिस इज अ ओपन चैन सिस्टम, तो आपको चैन साफ करना पड़ेगा एवरी वंस इन अ व्हाइल, मतलब जब भी मतलब चैन गंदा हो जाता है. एंड साथ में आपको पीछे मिलता है एक ट्विन कॉइल सस्पेंशन आपको मिलता है. एंड ये जो सस्पेंशन है ट्विन है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, बिकॉज ऑफ विच इसका जो ट्रैवल है, बाय द वे 80 mm का आपको ट्रैवल मिलता है, दैट्स प्रिटी डिसेंट. एंड साथ में यहाँ पे आपको मिलता है सारी गार्ड. एंड पीछे का जो टेल लाइट है ये बल्ब टेल लाइट है, इंडिकेटर्स बल्ब इंडिकेटर्स. एंड साथ में पीछे का जो व्हील है, दिस इज अगेन 18 inch स्पोक व्हील. सामने भी स्पोक व्हील था, मैंने गलती से अलॉय बोल दिया, पीछे पे आपको स्पोक व्हील मिलता है. एंड पीछे का जो स्पोक व्हील है, दिस इज़ अ 130x70 का आपको टायर मिलता है. ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो फ्रॉम सी एट के जूम के टायर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, दे आर नॉट रेडियल. एंड पीछे का जो डिस्क है, दिस इज अ 240 mm डिस्क ऑन द रियर. एंड यू ऑल्सो गेट अ कैलिपर फ्रॉम बाइबर, दैट इज बाय ब्रेम्बो. एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंजन एंड द चैसी. गाड़ी का जो चैसी है ना गाइस, बाय द वे इट्स अ ट्यूबुलर चैसी और ईयर ट्विन ट्यूब आप देख सकते हो सामने की तरफ जो आ रही है नीचे. एंड साथ में ये जो इंजन है, जैसे 650 cc पैरेलल ट्विन इंजन मेटेड टू 6-speed गियरबॉक्स. एंड साथ में इसका जो कूलिंग सिस्टम है इट इज़ ऑयल प्लस एयर कूल्ड सिस्टम. एंड गाड़ी का जो पावर है इट इज़ 47.65 PS ऑफ पावर. एंड जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है 52 Nm की टॉर्क है. गाड़ी का जो वेट है, दिस इज़ 202 kg का वेट आपको मिल जाता है, मतलब काफ़ी हैवी गाड़ी है, बट उसकी टॉर्क इज़ प्रिटी गुड. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द मोटरसाइकिल इज इट हैज़ अ फैंटास्टिक लो इन टॉर्क, मतलब आपको सिटी में थोड़ा भी बोर नहीं होगा, गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी,
पड़ेगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। एंड ऑफकोर्स ये ट्विन ट्यूब चैसी आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज ट्यूब चैसी बाय द वे। एंड साथ में गाड़ी का जो टैंक है दिस इज ऑफ 13.7 लीटर्स का आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। एंड गाड़ी का जो माइलेज है इट्स अराउंड, माइलेज फ्यूल एफिशिएंसी बोल सकता हूँ, इट इज अराउंड 25 इन सिटी एंड 33 इन द हाईवे इज व्हाट द पीपल क्लेम। साथ में यू गेट कस्टमाइज सीट्स एज वेल, अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो फॉर टूरिंग सीट्स ऑन दिस मोटरसाइकिल एंड दैट्स अ गुड थिंग। यू हैव डिसेंट ड्राइव रेंज जिसको आप लगा के मतलब यू कैन गो फॉर अ बेटर बैक सीट रेस्ट फॉर द पिलियन एज वेल। एंड व्हाट वी कैन डू इज लेट्स गो टुवर्ड्स द हैंडल बार्स नाउ। तो ऑन द हैंडल बार्स काफ़ी सिंपल सा हैंडल बार है बट इट्स व्हाट यू नीड। सो यू गेट अ इंजन किल स्विच, इंजन स्टार्ट बटन, एंड ऑन दिस साइड आपको यहाँ पे मिलता है पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर एंड हॉर्न। हॉर्न जो है गाड़ी का इट्स क्रेजी, बहुत लाउड हॉर्न है इस गाड़ी में। एंड लेट्स स्टार्ट द फ्रंट कंसोल, फुल एक्स स्वाइप होता है। सो यू गेट अ स्पीडोमीटर, यू गेट योर टैकोमीटर ऑन द साइड, यू गेट अ फ्यूल गेज, यू गेट अ ओडोमीटर, यू गेट योर ओडोमीटर ऑफ कोर्स और क्या है। एंड देन यू गेट यहाँ पे आपको सारे टेल्टेजेट सबको मिलता है, जैसे इंजन ऑयल चॉकलेट हो गया, बैटरी चॉकलेट हो गया, हाई बीम जो भी होगा, लेफ्ट राइट इंडिकेटर हो गया, इंजन चॉकलेट हो गया, न्यूट्रल हो गया, बट इसके अलावा आपको और कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू हैव एंड यू कैन सेट थिंग्स विथ दिस वन। ट्रिप पे ट्रिप भी आप सेट कर सकते हो एंड ओडो पे वापस आ गया। सो दिस इज इट्स क्वाइट बेसिक। आई वुड होप कि यहाँ पे ट्रिपर कंसोल भी आ जाएगा प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट वर्जन। एंड दिस वुड व्हाट वी हैव विद रिस्पेक्ट टू द मोटरसाइकिल। अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स द एग्जॉस्ट नोड ऑफ द मोटरसाइकिल। सो गाइस फाइनली यहाँ पे है मेरे हाथ में द ऑल न्यू इंटरसेप्टर 650। आज हम करेंगे इसका एक छोटा सा क्विक राइड एक्सपीरियंस एंड एंजॉय करेंगे इस एक्सपीरियंस को। सो लेट्स स्टार्ट द बाइक। बट चाबी कुछ ऐसा दिखता है, आरी का ब्रांडिंग है इसके ऊपर, बैजिंग है। सो व्हाट आई डू इज लेट्स स्टार्ट द बाइक। ऑन तो कर दिया, चलो किल स्विच हटा देते हैं तो गाड़ी शुरू हो जाती है अभी। वाओ क्रेजी साउंड मैन, क्रेजी साउंड। लेट्स स्टार्ट नाउ। द पावर इज इमेंस ब्रो, खतरनाक पावर है गाड़ी में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको गाड़ी चलाने के लिए। ये जो पावर है ना भाई, ये पावर में क्या ही बताऊँ मैं, पावर भी हो गया, टॉर्क भी हो गया, क्या खींचती है गाड़ी। एंड वन थिंग आई एम लाइकिंग अ लॉट इज कि गाड़ी अभी मतलब इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट टू डेज से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, राइडिंग द सेम सेट ऑफ वेयरिंग द सेम सेट ऑफ राइडिंग गियर्स फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। तो एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफ़ी नया गाड़ी है, दूसरी बात ये है कि बाइक जो है इट्स लाइक अगर आप मतलब सिक्स्थ गियर में हो एंड यू गोइंग एट 1500-2000 RPM, गाड़ी आराम से खींचते जाएगी। ऐसा नहीं कि गाड़ी नॉक होगा, इंजन बंद होगा, नहीं यार, क्या मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, क्या रेव बैंड है इसका। एंड दूसरी बात मुझे पसंद ये आया कि गाड़ी का जो टॉर्क और पावर डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी बढ़िया सा किया गया है। मतलब द पावर डिस्ट्रीब्यूशन गोज़ फ्रॉम एज लो एज 1500 RPM एंड इट स्ट्रेट अवे गोज़ टू 5000-6000 RPM वेरी ईजीली। एंड आपको टॉर्क और पावर की कमी महसूस होती ही नहीं है, ये मुझे मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो यस, ये बात करते हुए नाउ लेट अस सेट द प्रेसिडेंट ऑफ द पावर एंड द टॉर्क। अभी हम क्या करेंगे, गाड़ी जो है कितनी कंफर्टेबल है टू राइड मैं आपको बता देता हूँ। सो मैं अभी दो दिन से चला रहा हूँ, तो आई विल टेल यू वन थिंग, मैंने सिटी में चलाया, थोड़ा बहुत लंबे रोड पे गया हूँ, तो व्हाट आई कैन सी इज मेरा जो बैक है सीधा कंफर्टेबली सीधा अपराइट बैठा हुआ है, मेरे जो हाथ पैर है स्लाइटली रियर सेट है, एंड वेयर एज माई यू नो हैंड्स आर सिटिंग वेरी वेरी कंफर्टेबली ऑन द हैंडल बार्स। फील्स लाइक अ महाराजा मैं बोल सकता हूँ। सीट जो है ज़्यादा वाइड नहीं है, इट्स अ लिटिल ऑन द थिनर साइड। अगर आप थोड़ा यू नो हैवियर साइड पे हो, आप थोड़ा हेल्दियर साइड पे हो, तो आपको थोड़ा सीट जो है थोड़ा आपको पतला लग सकता है। मेरी जगह मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो रही है बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम दैट हैवी, सो इट इज़ ओके। वेर एज द सीट हाइट इज़ परफेक्ट एक्चुअली इन फैक्ट, बिकॉज मेरे ये तो मतलब मेरे जो पैर है वो काफ़ी आसानी से मतलब मैं ग्राउंड के ऊपर टच कर पा रहा हूँ। हाउएवर अगर आपकी हाइट 5'5" है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इफ़ यू आर द अराउंड 5'3" 5'4" आपको थोड़ा एक चीज़ दिक्कत ये होगा कि यार पैर जो है थोड़ा आपको टिपटो करना होगा। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई कैन क्लियरली ऑब्जर्व। एंड कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मिरर्स, द मिरर्स डोंट वाइब्रेट ऑन दिस वन, सो यू हैव अ गुड विजिबिलिटी ऑफ द मिरर्स, द फील्ड ऑफ व्यू इज़ फैंटास्टिक इन फैक्ट। एंड साथ साथ में दूसरी बात यह है कि गाड़ी जो है आसानी से फिल्टर थ्रू तो कर देती है, बिकॉज फॉर्म फैक्टर जो है गाड़ी का बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है गाड़ी को मतलब मुड़ाने के लिए घुमाने के लिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एंड घुमाने के बारे में बात करते करते व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू डू अ क्विक टर्निंग रेडियस टेस्ट ओवर हियर ऑन दिस रोड। तो बिना विदाउट टचिंग माई फीट ऑन द ग्राउंड मैं गाड़ी को यहाँ पर टर्न करना चाहता हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ अराउंड, ठीक है।
पूरा मतलब यार बहुत छोटी टर्निंग रेट से बाइक की, ये चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगी इफ़ यू आर राइडिंग इन अ स्मॉलर सिटी या स्मॉलर रोड या मार्केट एरिया में आप कहीं चला रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ का। सो बी वेरी वेरी कम्फर्टेबली राइडिंग इट अराउंड इन द सिटी एंड हॉर्न इज़ टू लाउड, जो सुनेंगे उनके तो कान फट जाएगी, लिटरली कान फट जाएगी, ट्रस्ट मी दैट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड यस, ये बात करते हुए द क्लच एंड द गियर, क्लच यू गेट अ स्लिपर क्लच ऑन दिस मोटरसाइकिल, वेयर इज द गियर इज यू डोंट हैव अ आउट ऑफ द पावर, यू डोंट हैव क्विक शिफ्टर ऑन दिस मोटरसाइकिल, लेकिन बात यह है कि आपको उतना ज़्यादा टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। It's a classic motorcycle and it does a good job. And the clutch is on the lighter side. The gear is very very precise. It's like any other Royal Enfield gears, which is good to have kind of thing. मैं बोल सकता हूँ. And the fit and finish is actually good on this motorcycle. ये चीज़ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. And साथ में headlight जो है, इट्स इट इज़ ऑन अ डिमर साइड, रात के टाइम आप जाएंगे थोड़ा आपको कम लग सकता है हेडलाइट। सो इफ़ यू आर राइडिंग ऑन हाईवे एंड ऑल, इफ़ यू गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड्स और इफ़ यू गोइंग ऑन अ पहाड़ी एंड ऑल, आई वुड सजेस्ट टू पुट पेयर ऑफ ऑक्स लाइट्स ऑन द मोटरसाइकिल। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ उन चीज़ों को, उनको आप ज़रूरत है तभी आप यूज़ कीजिए, हमेशा यूज़ मत कीजिए। एंड ये बात करते हुए अभी ब्रेक हमको दबाएंगे यहाँ पे, एंड लेट्स नॉट क्रॉस द लाइन। सो ट्रैफिक में तो मैं राइड कर रहा हूँ लेकिन गर्मी नहीं हो रही है गाड़ी में, दैट इज़ समथिंग विच आई कैन सी। ज़्यादा इट्स नॉट दैट हॉट एंड ऑल, मतलब राइड कर चुका हूँ दो दिन से तो मुझे गर्मी होती नहीं है उतना ज़्यादा। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, जो पिजन पीछे बैठते हैं ना उनके थोड़ा मतलब नो जो फूड पैक से थोड़ा ऊपर है, सो बिकॉज ऑफ इट्स थोड़ा उनको अगर मतलब लंबे है तो उनके थोड़ा पैर जो है वो क्रैम्प अप हो सकते हैं। एंड या ये बात करते हुए, लेट्स स्पीड अप अ लिटिल फ्रॉम द लेफ्ट, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन रोड खाली है तो अब क्या कर सकते हैं, तो घुमाना पड़ेगा। चलो व्हाट आई डू इज लेट्स सी चलते हैं। एंड हाँ, अभी मेरे को चेक करना था गाड़ी का ब्रेक कैसा है, पीछे कोई नहीं है, सो आई अप्लाई द ब्रेक, द फ्रंट ब्रेक ओवर हियर एट दिस पॉइंट 60 किलोमीटर पर आवर एंड द फ्रंट ब्रेक्स, वो द ब्रेक्स आर गुड ऑन द फ्रंट। आई बिलीव अगर ट्विन डिस्क होता तो थोड़ा और बाइटी हो जाता, बट दिस इज़ डूइंग अ मैनेजेबल जॉब एट 60 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ अ सिटी स्पीड, रिकमेंडेड स्पीड में बोल सकता हूँ। एंड अभी हम चेक करते हैं रियर ब्रेक एट द सेम स्पीड, अराउंड द सेम स्पीड, सो 60 किलोमीटर पर आर एंड रियर ब्रेक, यप इट इज़ डिसेंट, इट्स नॉट वेरी वेरी बाइटी ऑन द रियर, इट्स काइंड ऑफ डिसेंट। रियर का ज़्यादा बाइटी होना नहीं चाहिए इज़ व्हाट आई फील, वाई बिकॉज गाड़ी स्किड हो सकती है रियर का ज़्यादा बाइटी है तो, फ्रंट का बाइटी है तो आपका जो ये रहता ना क्या एबीएस रहता है वो किकिंग करता है एंड थोड़ा बाइट को पकड़ना छोड़ना छोड़ना पकड़ना करता है। रियर का इट्स अ डुअल चैनल एबीएस, लेकिन फिर भी बाइटी नहीं है, दैट इज़ देयर। एंड यस, ये बात करते हुए गाड़ी को थोड़ा घुमाएंगे स्लाइटली, तो टायर्स आर एक्चुअली गुड यार, सीएट के जो टायर्स है काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है मैं बोल सकता हूँ। आई डोंट नो, आई थिंक GT 650 में शायद आपको आई थिंक यू गेट द पिरेजी टायर्स एंड ऑन दिस वन आई डोंट नो दे हैव पुट सीएट टायर्स, शायद फर्स्ट मॉडल में पिरेजी मिलता था या पता नहीं इसमें टॉप एंड में। वाओ मेरे भाई, किधर भी लोग टर्ना मार देते हैं यार, पता नहीं क्या कर रहा है सर। चलो व्हाट आई विल डू इज नाउ आई हैव सीन द ब्रेक्स, अभी आपको बताना था इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस गाड़ी में क्या हो रहा है फील मुझे, यार सच बताऊँ क्या वाइब्रेशंस लिटरली नहीं है गाड़ी के ऊपर, मतलब इट हैज़ बीन सुपर डुपर मिनिमलाइज्ड। द रीज़न इज़ गाड़ी में आपको काउंटर बैलेंसर मिल रहा है, इट्स नॉट अ पुश रॉड इंजन एनी मोर, सो ये कैमशाफ्ट ड्रिवन इंजन है, तो ये सब चीज़ों की वजह से गाड़ी का जो वाइब्रेशंस है वो खत्म हो चुका है, इट्स नॉट एन आरी एनी मोर, मतलब आरी का जो पुराना बाइक होता था। एंड आजकल के नए बाइक्स में आरी में तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है बिकॉज विद द रीसेंट मीटियोर एंड द रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 आपको पता ही है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, दे हैव वाइब्रेशंस जो है ऑलमोस्ट निल है, गाड़ी इज़ नाउ सुपर डुपर स्मूथ एंड सो इज़ द केस विद इंटरसेप्टर एज वेल। इनफैक्ट ये फर्स्ट सेट ऑफ गाड़ी है जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आया था जो सुपर स्मूथ था एंड अभी भी स्मूथ है। सो दीज आर ऑब्जर्वेशंस। अभी मैं बात करता हूँ मिसिंग के बारे में, तो मिसिंग के लिए यार गाड़ी का जो फ्रंट कंसोल है दिस कुड हैव बीन मोर यू नो मॉडर्न एंड एडवांस मैं बोल सकता हूँ, वो चीज़ एक मिसिंग है इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज इसमें अगर एक ट्रिपर नेविगेशन ऐड हो जाता है शायद नेक्स्ट ईयर के मोटरसाइकिल में ऐड हो सकता है, तो अगर वो आ गया तो यार बात ही कुछ अलग हो जाएगा, बस वो एक चीज़ मिसिंग है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द होल मोटरसाइकिल स्टैंड्स आउट फ्रॉम द क्राउड एंड डज अ वेरी गुड जॉब।
So this is it with respect to the, you know, the motorcycle pricing is spot on. Not very expensive for 650cc motorcycles. Agar aapki entry 650cc ko khareedni hai, this makes a lot of sense and it's kind of easy to ride. Aapko zara tensions nahi hai, is electronics ke bare mein dhyan do, uske bare mein dhyan do, dene ki zarurat nahi hai. Gaadi apne aap set ho jati hai aapko. So guys, this was it for the video. Abhi hum chalte hain towards the end of video, jahan pe hum log baat karte hain mudde ki baat. सो यस गाइस, दिस वाज इट विद द वीडियो. मैं आशा करता हूँ कि कड़ी का जो वीडियो था आपको पसंद आया है. अगर आपको पसंद है तो पता क्या करना होता है, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर. कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मुद्दे की बात गाइस, इस सेगमेंट में, इस बजट में आपको कोई और ऑप्शन मिलती नहीं है. 650cc की बोल रहा हूँ मैं. एंड अगर आपको क्लासिक्स पसंद है, देन हियर इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू क्लासिक्स. एंड 650cc इज वन यूनिक सेगमेंट वेर यू एक्चुअली हैव दिस डिसेंट पावर विच यू कैन मैनेज. एंड साथ में अगर इफ यू गो फॉर ट्राइडेंट या अगर आप जाएंगे कावासाकी की तरफ, द प्राइस एंड द बजट विल एक्चुअली इंक्रीज अ लॉट बाय मतलब वेरी बिग मार्जिन. आई वुड सजेस्ट यू इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द एंट्री लेवल 650cc एंड आपको चाहिए क्लासिक चाहिए एंड द रेस्ट यू कैन इन्वेस्ट ऑन द राइडिंग गियर्स, देन दिस इज द बाइक दैट यू कैन थिंक ऑफ. So guys, thanks a lot for watching this video. As usual, I'd like to end this video with Jai Hind, Vande Mataram.